गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छी होंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई मैं जब सो के उठाऊँ, आज संडे है बट मुझे कोचिंग पे जाना, बिकॉज कोचिंग मेरा टेस्ट है, इसीलिए मतलब संडे को हमारा होल वीक में जो पढ़ाया होता है उसका एक टाइप से फीडबैक लेंगे टेस्ट लेके। इसीलिए अब हमारा टेस्ट है, मेरे को कोचिंग पे जाना है। अभी मैं नहाई नहीं, बट नहा के रेडी होकर फिर कोचिंग जाऊँगी मैं। बट आज संडे में मीन्स मेरी वीडियो का टाइम। एंड फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें, बिकॉज मैंने ना उसमें वीडियो मेरे भाई की कुछ ऐसी मस्ती ज्वाइन किया ना कि बता नहीं सकती। वो हर बहन करती होगी ऐसा तो, बट मैंने बहुत मतलब मस्ती की थी भाई के साथ, तो वो मस्ती भी देखी आप लोग। एंड फ्रेंड्स, मैं जो लास्ट मेरा बोर्ड था मैंने आप सभी के साथ शेयर की है कि स्कूल में क्या क्या था, बहुत मस्ती की थी। सो बिना देरी करते चलते हैं वीडियो में। सो लेट्स गो एंड द वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले मम्मा मिर्च को मतलब वॉश कर रही हैं, साफ कर रही हैं, बिकॉज ये अचार वाली मिर्च है। मम्मा आज मतलब मिर्च का अचार रखेंगे, तो फिर मम्मा पहले उसको वॉश कर रही हैं। मतलब हमारे एक मिलने वाले अंकल जी हैं, उन्होंने दी थी, उनके बहुत सी सारी थी ना, तो इसलिए उन्होंने हमें थोड़ी दी थी। और मम्मा ने फिर यहाँ पर ये बाहर रख दी जिससे कि इनका जो सारा पानी है वो निकल जाए और ये सूख जाए, इसलिए मम्मा ने ऐसे रख दी हैं। जब ये सूख गई तो मम्मा ने फिर इनको कट करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हो साइड में राई रखी है, मतलब मसाला इसका अभी बना नहीं है पूरी तरीके से, बस सुखाने के लिए रख दिया है। आपको ऐसे लंबे लंबे पीस में पहले मिर्च को कट कर लेना है, और ऐसे सब कुछ दिखाया जा रहा है। मम्मा एक एक करके सबको कट कर रही है मिर्च को। और फिर यहाँ पर ये थोड़ी सौंफ रखी है, और ये मसाला है, ये राई है, और यहाँ पे मिर्च है, और ये जो आपको मैंने पहले वीडियो शेयर की थी लहसुन के अचार की, और वो एकदम रेडी हो चुका है। हम लोग खाने भी लगे, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और ये टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ब्रिलियंट टेस्ट था इसका तो। और पहले यहाँ पर मैं सौंफ को ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले मम्मा ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया, और ये ग्राइंड हो चुका है। फिर हमें इसमें मसाले बनाने के लिए सौंफ डाली मम्मा ने, उसके बाद थोड़ी हल्दी डाली है, और हम मम्मा ने मसाला डाला है गरम। और यहाँ पे सूखा धनिया नहीं डालना है, नमक डाल चुके हैं, सूखे धनिया नहीं डालने होते हमको। और आप लोग यहाँ पे मिर्च भी मम्मा ने फिर मसाला तैयार करके मिर्च को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, और वो वाले बॉक्स में रखना स्टार्ट कर दिया। मतलब जैसे जैसे मसाला हो गया, और यहाँ पर मम्मा ने सब कुछ फिल आउट कर दिया है। यहाँ पर मैंने भाई के मतलब पोनी कर रही हूँ, उसको पता भी नहीं, मम्मा वीडियो शूट करनी थी मुझे भी नहीं पता था, बट जब मम्मा ने दिखाया तब मैंने देखा, उसको पता भी था, मैं उसकी पोनी बना रही। और फिर यहाँ पर साइड में डिनर बन रहा है, और साइड में जो ये मतलब मिल्क सा लग रहा है वो एक्चुअली जो घी हम लोग छान लेते हैं, मतलब बन जाता है, तो उसके बाद जो मलाई होती है ना उसको भैया यहाँ पे घुमा रहा था। मतलब बहुत टेस्टी स्वीट सी बनती है, अच्छी सी मिठाई बनती है जो बहुत मीठी लगती है। यहाँ पे मटर और टमाटर आलू बन रहे थे। मैं डिनर भी आपके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज मैं 3 दिन बाद भी डालती हूँ, इसलिए मैं 2 डेज़ का ऐड कर लेती हूँ। किचन में ये मस्ती हो रही थी, भाई पहली बार किचन में आया था तो मैंने इसीलिए आप सभी के साथ शेयर किया। आप लोग देख सकते हैं भाई कितनी मतलब मेहनत से उसको देखो ऐसे करके घुमा रहा है, एकदम मेहनत से घुमा रहा है। और सब कुछ भाई ने शूट किया था। यहाँ पे मम्मा भी मतलब आलू छील रहे थे, और चटनी बनी हुई रखी थी, और हाँ भाई चटनी दिखा रहा है, हरी वाली चटनी है जो अब रास्ते में खाया करेंगे, मतलब खाएंगे। और फिर यहाँ पे मम्मा बत्थू है, जो मतलब सुबह के बत्थू के पराठे बनेंगे, इसलिए मम्मा ने पहले रात को मम्मा छील के रखे जिससे कि सुबह सुबह कोई टेंशन ना हो इसीलिए। और ये मेरा लास्ट वर्ड का सीन है, जो हम लोग लास्ट में मतलब जब बस फिल हो गई तो गर्ल्स हमारी जो थी वो इको में गई थी, तो इतना बढ़िया हम लोग दूसरे रास्ते से गए, तो ये ट्री वाला टनल जो ऐसा लग रहा था इतना प्यारा लग रहा था ना, कि उस पर हर जगह ट्री मतलब ट्री ट्री थे। और फिर एग्ज़ाम होने के बाद मैंने शूट किया था जहाँ पे इतना बड़ा और बहुत प्यारा केज था, यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स थे, और मतलब बहुत सारे बर्ड्स भी थे। आप लोग देख सकते हैं ये वाइट वाले पिजन्स हैं, मैंने सब शूट कर लिया था बिकॉज एंड मतलब मेरा एग्ज़ाम था, और ये हैंस हैं कुछ, मतलब मैंने सब कुछ इतना प्यारा प्यारा लग रहा था ना, बहुत बड़ा केज था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो इतने प्यारे से बर्ड्स हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और ये प्यारे से रैबिट्स भी थे जो बहुत सॉफ्ट थे। खैर हैंड हमारा अंदर जा नहीं रहा था, बट फिर भी बहुत सॉफ्ट लग गए थे, और वहाँ पे मेरी फ्रेंड से मतलब ये हाथापाई हो गई थी। सो फ्रेंड्स, फिर देखा आपने, ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था।
और मतलब लास्ट में भाई को पता भी नहीं था कि मैं उसकी पोनी कर रही हूँ, उसको पता भी नहीं मैं वो एक्चुअली कॉल पे बात कर रहा था इसीलिए उसको पता नहीं था। एंड हम लोग जो स्कूल में गई थी वहाँ पे प्यारे से मतलब बहुत प्यारा केश था, मतलब वो मतलब एंड टाइम में अपने मोबाइल फ़ोन ले गई थी इसीलिए मैंने सबको शूट किया था, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को ये, तो मैंने शूट किया आप सबसे शेयर किया। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, मीन्स वेडनेसडे के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर लूँ टेस्ट की अब। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, कमेंट ऑन माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, जस्ट बाय बाय एंड टेक केयर।